2014 में हुंडई कंपनी ने क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और जब से क्रेटा इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से इस कार ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में दबदबा बना के रखा है। क्रेटा के बाद बहुत सारी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी कार नहीं है जिसने क्रेटा को कड़ी टक्कर दे दी। आज के डेट में भी क्रेटा अपने सेगमेंट की मोस्ट सेलिंग कार है, इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिका था। तो यहाँ पर क्रेटा की डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है जो कि सीधा कंपीट करने वाली है हुंडई क्रेटा के साथ। इसके अलावा किया सेल्टोस के साथ, फोक्सवैगन के टाइगुन, स्कोडा की कुशक और एमजी की एस्टर के साथ इन कारों का कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन तीन कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि कंपीट करने वाली है क्रेटा के साथ, और ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही से मचाने वाली है। और जो लास्ट नंबर की कार है उसका नाम सुनकर तो डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जो सबसे पहले मर्सिडीज एसयूवी कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वो है हुंडई की HR-V। हालांकि हुंडा कंपनी आने वाले समय में दो न्यू एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। फर्स्ट एसयूवी कार को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर उतारेगी, जिस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में नेक्सन आती है। उस सेगमेंट के अंदर हुंडा कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लाने वाली है, और उसके ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर हुंडा कंपनी HR-V को लॉन्च करने वाली है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में हुंडा का लाइनअप काफी बड़ा है, लेकिन आज के डेट में इंडिया में WRV बिकती है, जैज बिकती है, इसके अलावा हुंडा सिटी बिकती है, और इन कारों का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। और जो HR-V रहेगी जो कि कंपीट करने वाली है क्रेटा के साथ, ये डेफिनेटली इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद तबाही सी मचा देगी। और इस कार का लुक भी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका फ्रंट का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये फ्रंट से दिखने में काफी क्लियर लगती है, और रियर का फीचर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। जिस तरह से इस कार का एक्सटर लुक है उससे कई गुना बेहतर आपको इस कार का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। काफी हाई लेवल के फीचर्स हुंडा कंपनी ने इस कार के अंदर ऑफर करे है। इस कार की कीमत लॉन्च होने के बाद 10 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसको इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली हुंडा की ये एसयूवी कार इंडियन मार्केट में आने के बाद तबाही सी मचा देगी। आपके हिसाब से हुंडा की इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में रिवील किया गया है, वो है निसान की ज्योक। इसके अलावा निसान कंपनी और दो न्यू एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, दूसरी है कशकई और तीसरी है एक्सट्रेल। इनका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं ज्योक की बात करूं तो भाई इस कार का इंटीरियर नेक्स्ट लेवल है। काफी प्रीमियम फीचर्स इस कार के इंटीरियर में प्रोवाइड करे हैं, और इस कार का एक्सटर्नल लुक गजब का रखा है निसान कंपनी ने। इस कार के अंदर अलग अलग इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं ग्लोबल मार्केट में, लेकिन इंडियन मॉडल के अंदर 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा, और ये इंजन 115 BHP की पावर आउटपुट निकाल लेता है। और हुंडई की क्रेटा भी लगभग सेम पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है, तो यहाँ पर आपको लगभग पावर आउटपुट सेम मिलने वाली है निसान की ज्योक के अंदर और हुंडई क्रेटा के इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर। जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है टाटा के ब्लैकबर्ड। टाटा कंपनी इस कार को इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में लॉन्च कर सकती है, और इस कार के अंदर आपको एक नया पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस कार का एक्सटीरियर लुक कंप्लीटली नया रहने वाला है, इंटीरियर भी आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा, और इस कार को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया जाएगा। जिस तरह से टाटा हैरियर का लुक है, जिस तरह से सफारी का लुक है, उसके मुकाबले टाटा ब्लैकबर्ड का लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। और आने वाले समय में टाटा कंपनी बहुत सारी नई कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और कुछ ईवी कारों को भी टाटा की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली टाटा ने इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में लॉन्च करी थी, जिसका नाम है टियागो ईवी। और अगले एक दो महीनों के अंदर टाटा अल्ट्रोस ईवी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं ब्लैकबर्ड का। ब्लैकबर्ड एक मर्सिडीज एसयूवी कार होने वाली है जिसका एक्सटीरियर लुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और इस कार के इंटीरियर में काफी हाई लेवल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कंफर्ट के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और टाटा कंपनी ब्लैकबर्ड के अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे सकती है। इस इंजन के ऊपर टाटा अभी फिलहाल के लिए काम कर रही है, इस इंजन की टेस्टिंग चल रही है। इस इंजन को टाटा सफारी के अंदर दिया जाएगा, टाटा हैरियर के अंदर दिया जाएगा, और ब्लैकबर्ड के अंदर भी आपको सेम इंजन स्पेक मिलने वाला है। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ टाटा की ब्लैकबर्ड इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है, लेकिन डेफिनेटली ये कार क्रेटा को टक्कर देने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये कार जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो डेफिनेटली ये कार हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, फोक्सवैगन की टाइगुन, स्कोडा की कुशक, एमजी की एस्टर, इन कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है इन कारों के प्राइसिंग के ऊपर, कब इनको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है और इनके अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर इन कारों का फ्यूचर डिपेंड करता है, लेकिन
लेकिन मेरे हिसाब से ये कार डेफिनेटली इंडियन मार्केट में आने के बाद तबाही सी मचा देगी। इन तीनों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और जैसे ही ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।